एक ओर जहां पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वहीं नवगठित मऊगंज जिले में यह पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां परेड की सलामी मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने ली तथा झंडा फहराया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मनमोहित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को कलेक्टर के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुख्ता इंतजाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निगरानी में की गई थी। देखिए, ये बहुत ही उत्साह का एक हमारे लिए अवसर है। नया मऊगंज जिला बना है, हमने 15 अगस्त मनाया था, इस बार हम पहली बार 26 जनवरी मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मन रहा है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। हमने एक नई जगह पर ये कार्यक्रम किया है। अब से ये जो ग्राउंड है कलेक्ट्रेट के बगल में, इसका नाम परेड ग्राउंड है। आगे मैं उम्मीद करता हूँ जो भी परेड होंगी यहीं पर होगी। बच्चों का, बड़ों का, सभी लोग, पूरा स्टॉल, पूरे पंडाल हमारे भरे हुए थे। अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है, झांकियाँ हमारी विभागों की निकली हैं और एक परंपरा मैं समझता हूँ कि स्थापित हुई है और आगे परंपरा जारी रहेगी। बहुत उत्साह लोगों में देखने को मिला है और मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ और लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी। सर, बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी, काफ़ी सुंदर प्रस्तुतियाँ दी, बच्चों के लिए कोई संदेश? बहुत मेहनत की है बच्चों ने, लगातार उन्होंने रिहर्सल की है और चयन में हमारी जो समिति थी, हमने एक चयन समिति बनाई थी, उन्होंने भी कार्यक्रम का चयन किया है, वो भी बहुत ही गुणवत्तापूर्ण था। बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस पर आप अपना एक अच्छे नागरिक बनने का प्रण लें। तो बच्चों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी शिक्षा वो पूरी करें, पूरी मेहनत से अपने चरित्र का निर्माण करें, खेल कूद में भाग लें और सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर हमेशा चलें। ये नवगठित जिला मऊगंज का पहला गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था। 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बधाई, सभी जिले वालों को, निवासियों को, सभी को बधाई। आज का ये कार्यक्रम आपने देखा कितना भव्य और परंपरागत तरीके से बड़ा ही गरिमामयी प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि माननीय कलेक्टर महोदय और अन्य जो हमारे गणमान्य नागरिक सभी अधिकारी उपस्थित हुए, उसमें पूरी हमने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था अपना शहर और परेड ग्राउंड पर लगा के रखी थी, जिसमें पूरा कार्यक्रम जो है निर्विघ्न तरीके से सम्पन्न हुआ। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई।